चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री देख रहे हैं, यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कहां से आया है? ज्योमेट्री दो शब्द से बना है, एक तो इसमें जियो है, एक मेट्री है। जियो का जहां भी शब्द आएगा, जैसे आप देखेंगे ज्योग्राफी, जियोफिजिक्स, जियो का मतलब यहां पर लेंगे आप अर्थ, यानी कि हमारा ग्लोब अर्थ होगा हमारा। और जहां भी मेट्री आएगी, जैसे टेलीमेट्री है, फोटोमेट्री है, जहां भी मेट्री आएगा इसका मतलब है मेजरमेंट। ये शुरुआत हुई थी ज्योमेट्री की जब लैंड को मेजर करते थे, जमीनों को आप मेजर करते थे। और बहुत पुरानी सभ्यताएं हैं, इजिप्ट, इजिप्शियन है, बेबीलोनियन है, चाइनीज, इंडियन, ग्रीक, इनकास, इन सब में इनका जिक्र मिलता है। और इन्होंने कई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को जब देखा और उसको जब सॉल्व करने की कोशिश की, तो ज्योमेट्री इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे रिवर नाइल है, जब ये ओवरफ्लो हो गई तो जो आसपास के जो लैंड ओनर्स थे उनकी फील्ड्स के ऊपर आ गया, मतलब पानी। और ये फ्लड जब हो गया तो उस बाउंड्री को दोबारा बनाना पड़ा। इसके लिए इजिप्शियंस ने क्या किया, अलग अलग ज्योमेट्रिक टेक्निक्स लगाई और रूल्स लगाए ताकि जो सिंपल एरियाज हैं उनको एक तो कैलकुलेट कर सके उनका एरिया, और उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन कर सके उसके लिए उन्होंने इसका उपयोग किया। चाहे किसी ग्रेनरीज हो, उसके वॉल्यूम का पता करना हो, या कोई कैनाल बनाना हो, पिरामिड बनाना हो। और आप देखेंगे कि बहुत हद तक जो ये ट्रंकेटेड पिरामिड है, जिसको हम फ्रस्टम भी कहते हैं, ये जो फ्रस्टम है इसका किस तरीके से मान पता किया जाए, एरिया पता किया जाए, वॉल्यूम पता किया जाए, क्योंकि एक सॉलिड फिगर है। इसमें देखिए कि ऐसे पिरामिड का अगर बात करें, पिरामिड का जो बेस होता है वो ट्राइंगल होता है या स्क्वायर होता है, जैसे ये आप देख पा रहे हैं, और ये पॉलीगन्स होते हैं, उसके साइड होते हैं, ये स्पेसेस है अलग अलग, टॉप में कुछ फेस होता है। ये एक एग्जाम्पल है ट्रंकेटेड पिरामिड का। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर आप आए तो जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जब एक्सकवेशन हुए, उनकी खोज की गई, उसको उनकी खुदाई हुई, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहां पर देखा गया कि ज्योमेट्री का बहुत बहुत अधिक उपयोग किया गया। और बड़ा ऑर्गेनाइज सोसाइटी थी ये, और जो सिटी बनाए गए बड़े प्लान तरीके से बनाए गए, मतलब रोड जो थे एक दूसरे के पैरेलल थे। आप सोचिए उस जमाने में एक रोड यहां जा रहा है तो अगला रोड उसके पैरेलल जा रहा है, और एक बड़ा अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम मिला वहां पे। हाउस में, मतलब घरों में अलग अलग रूम्स थे, और इसमें ये अगर बनाने की चेष्टा की जाए तो मेंसुरेशन और प्रैक्टिकल अर्थमेटिक का उपयोग होना ही चाहिए, किया गया होगा। जो ब्रिक्स, जो ब्रिक्स बनाए गए बकायदा, वो उसको गर्म किया गया, उसको भट्टी में डाला गया बकायदा, उसका एक लेंथ ब्रेड और थिकनेस का, जिससे जो ईंटे, मैं कह रहा हूं जो ईंटे थे उसका एक प्रॉपर रेशियो था, 4:2:1। अगर एंशियंट इंडिया की बात करें तो सुलभा सूत्रास, ये मैनुअल थे जिसमें ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया गया था। और जो वैदिक पीरियड है, जहां जब शुरुआत हुई थी वेदिस, जिसे अल्तार कहते हैं, वहां पर वैदिक राइट्स होते थे, और जो लोकेशन थे, जो जगह थी वहां पर पवित्र, जो हम कहते हैं जल वायु अग्नि, तो पवित्र अग्नि, इसमें जो सेक्रेट फायर्स बनाए गए थे प्रॉपर शेप और एरियाज थे इसके, और बकायदा बड़ा अच्छा इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज किए गए होंगे। इसी तरीके से और भी स्क्वायर है, सर्कुलर, स्क्वायर सर्कल बनाना अपने आप में उस जमाने में आप सोचिए कितना कितना पारंगत थे वो लोग। चाहे आप पब्लिक वर्कशिप की प्लेस देखिए जहां पर लोग पूजा अर्चना करते हैं, रेक्टेंगल है, ट्रेपेजियम है, ट्रायंगल है। और अथर्ववेदा की बात करें श्रीयंत्रा में, इसमें नौ आपस में जुड़े हुए आइसोसेलेस ट्रायंगल्स थे, वो इस तरीके से अरेंज थे कि 43 उसके साथ सब्सिडरी ट्रायंगल बनते थे, राइट। तो जो चीज बनी है इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय, क्योंकि हम यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री ऑलरेडी प्रचलन में थी,
तो इससे ये पता चल रहा है कि ज्योमेट्री केवल यहां नहीं, हमारे देश में हम लोग जहां अभी बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में इसका उपयोग हुआ, क्योंकि ये जाना गया कि बगैर ज्योमेट्री के चीजों को प्रॉपर नहीं बनाया जा सकता, सिमेट्रिक नहीं बनाया जा सकता, प्लानिंग सही से नहीं की जा सकती। चाहे आप बेबीलोनिया की बात करें, इंडियन रोम की बात करें, इजिप्शियंस की बात करें, जिस भी जगह जाएं, आपको एक सिस्टमेटिक साइंस मिलेगा प्रैक्टिकल पर्पस को सॉल्व करने के लिए। अब जब ग्रीस की बात करें, ग्रीक सिविलाइजेशन की बात करें, तो जो मेन ध्येय था वो रीजनिंग की तरफ था जब कंस्ट्रक्शन करते थे। तो ये बहुत सारे साहब लोग थे, जैसे ये थेल साहब है, आपके यूक्लिड साहब है। तो क्या हुआ कि जो थेल साहब थे उन्होंने कुछ प्रूफ दिए, उन्होंने प्रूफ दिया कि सर्कल जो बाइसेक्टेड है, एक सर्कल है, अगर इसको बाइसेक्ट करेंगे तो वो जो बाइसेक्शन होता है वो डायमीटर कहलाता है। और इसका इसके आगे पाइथागोरस साहब थे, और पाइथागोरस साहब ने, आप जैसे पाइथागोरस थ्योरम तो खैर जानते ही आप लोग, तो उन्होंने भी काफी चीजें इसमें दी। और उसके बाद यूक्लिड साहब आए, ये जो अलेक्जेंड्रिया था उसके उसके टीचर थे, और उन्होंने क्या किया कि जितने भी फेमस ट्रीटीज है जिसको हम एलिमेंट्स कहेंगे, वहां से चीजें कलेक्ट की, वहां से आइडियाज कलेक्ट किए, फिर उन्होंने क्या किया कि इन एलिमेंट्स को अलग अलग एक बुक के चैप्टर्स में डिवाइड कर लिया, और ये बुक पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस थी ज्योमेट्री की तरफ। तो ये जो किताब थी उनकी, ये एक लैंडमार्क थी, और यूक्लिड साहब ने जो किताब बनाई, ये एक अप्रोच था, यूक्लिड अप्रोच थी ज्योमेट्री के लिए। यूक्लिड डेफिनेशन क्या है, एक्सियम्स क्या है, पोस्टुलेट्स क्या है। यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, और उन्होंने एक ज्योमेट्री को एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल, जिसमें हम रह रहे हैं, जिस समय हम रह रहे हैं और जिस जगह हम रहते हैं, उसको एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल की तरह कहा। उन्होंने कहा पॉइंट है, लाइन है, प्लेन है या सर्फेस कहे, और वो सब चीजें उन्होंने आसपास की चीजों से डिराइव की। फिर स्पेस, सॉलिड्स, उसका ज्योमेट्रिकल नोटेशन, क्योंकि सॉलिड के पास शेप होता है, साइज होता है, पोजीशन होता है, ये मूव होता है एक जगह से दूसरी जगह, और जो किसी भी सॉलिड की बाउंड्री होती है उसको सरफेसेस कहा गया, और एक सरफेस दूसरे सरफेस से उन्होंने अलग किया। उन्होंने कहा कि इनकी कुछ मोटाई भी होती है, थिकनेस भी होती है। जो बाउंड्री सरफेसेस की थी उसको कहा कर्व्स और स्ट्रेट लाइंस, और जो पॉइंट जहां पर वो जुड़ रहे थे उन्हें कहा पॉइंट्स। तो एक कुछ स्टेप्स मैं आपको बताता हूं इसमें, सॉलिड को किस तरीके से पॉइंट, सॉलिड सर्फेसिस को किस तरीके से लाइन पॉइंट्स में उन्होंने परसीव किया, इंटरप्रेट किया। इसमें क्या है कि हर एक पॉइंट पे, जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूं, उसमें हम लोग एक चीज लूज करेंगे हर एक पॉइंट पे, उसे कहते हैं डिमेंशन। तो सॉलिड के बेसिकली तीन डिमेंशन होते हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट। तो तीन डिमेंशन है, सरफेस के दो डिमेंशन होते हैं, आपको लेंथ और विड्थ दिखाई देगी। लाइन का केवल लेंथ ही लेंथ दिखाई देगा, पॉइंट का लेंथ भी नहीं है, विड्थ भी नहीं है, हाइट भी नहीं। तो यूक्लिड साहब ने उसको इस तरीके से कहा, इसलिए उनको यूक्लिड डेफिनेशन, एक्सियम्स और पोस्टुलेट कहा गया है, क्योंकि उन्होंने प्रपोज किया इसको। कुछ कुछ डेफिनेशन दी उसमें, कुछ उसमें बताता हूं मैं कि अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, एक पॉइंट ऐसा है जिसका कोई पार्ट नहीं होता। लाइन को उन्होंने कहा कि इसकी ब्रेड्थ नहीं होती, एंड किसी भी लाइन के एंड को उन्होंने कहा कि ये पॉइंट्स होते हैं। जो स्ट्रेट लाइन होती है, एक ऐसी लाइन है वो दो पॉइंट के बीच में इवनली जाती है। सरफेस वो होता है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ होते, कि ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। एजेस किसी भी सरफेस के, जैसे ये इसका ये एज है, ये लाइन होगा, ये लाइन होगा। और जो प्लेन सरफेस, एक ऐसा सरफेस होगा विच लाइज इवनली विद इन दी स्ट्रेट लाइन ऑन इट सेल्फ। ये देखिए स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इसके बीच में ये सरफेस है। अब इस इन डेफिनेशन को बहुत ध्यान से अगर आप देखें तो इसमें कुछ शब्द आते हैं, ब्रेड्थ आता है, लेंथ आता है, इवनली आता है। जैसे अगर पॉइंट की बात करें तो पॉइंट के डेफिनेशन में इन्होंने कहा अ पार्ट ऑफ, इसको इसका मतलब क्या है, अ पार्ट ऑफ का मतलब ये है कि कुछ एरिया वो ले रहा है,
एक एरिया को भी डिफाइन करना पड़ेगा फिर, मतलब एक चीज को डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो तीन चीजें होंगी जो उसको डिफाइन करेगी। तो मैथमेटिशियंस ने क्या कहा, उन्होंने एग्रीमेंट किया कि कुछ ज्योमेट्रिक टर्म्स है ना उनको अनडिफाइंड रहने दीजिए, लेकिन एक इंट्यूटिव अंदर से फीलिंग तो रहती है कि ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट किसी पॉइंट का इसने डेफिनेशन दिया क्या। अगर हम एक पॉइंट इस तरीके से बना दे, मैं इस तरीके से एक पॉइंट बना दूं, तो क्या ये डॉट है? और आप कह रहे हैं कि इसका कोई डायमेंशन नहीं, अगर मैं एक डॉट बना रहा हूं कोई ना कोई तो डायमेंशन होगी, चाहे इनफाइनाइटिसिमल स्मॉल होगी, कोई ना कोई तो डेफिनेशन होगी, उसकी डायमेंशन होगी। इसी तरीके से डेफिनेशन टू अगर देखें यूक्लिड साहब की, जो एक्सपर्ट्स एक्सर्ट से है, मतलब उनसे हमने एक्सर्ट एक्सट्रैक्ट करके कुछ चीजें दिखाई, ब्रेड्थ है आपकी, लेंथ है। अब ब्रेड्थ और लेंथ को कभी डिफाइन किया गया या नहीं किया गया, लेकिन इसको समझा जरूर गया। तो ज्योमेट्री में एक पॉइंट लाइन और प्लेन, यूक्लिड साहब ने कहा प्लेन को सरफेस, ये अनडिफाइंड टर्म्स हैं, इनको केवल हम समझ सकते हैं, जानते हैं, है ना, और एक फिजिकल मॉडल हमारे सामने आए तो हम बता सकते हैं कि ये इसमें पॉइंट है, ये लाइन है। तो इन डेफिनेशन से यूक्लिड साहब की कुछ प्रॉपर्टीज उन्होंने अज्यूम की और वो प्रूव नहीं हुई, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे अगर आप कहें सूरज कहां से उगता है, तो चाहे पूरब कहें पश्चिम कहें, लोग जानते हैं कि पूरब से उगता है कि पश्चिम से उगता है, वो जानते हैं, इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। तो उनके जो उन्होंने जो बात कही उसको एक्सियम्स और पोस्टुलेट में डिवाइड किया गया। पोस्टुलेट उन्होंने जो कहा वो एजम्पशंस थे, वो सोच थी जो स्पेसिफिक थी ज्योमेट्री के लिए, और एक्सियम्स जो हैं वो कॉमन नोटेशन से या नोशंस थे, वो ऐसे एजम्पशंस थे, वो ऐसी सोच थी जो पूरे मैथमेटिक्स में यूज हुए, वो जरूरी नहीं है कि ज्योमेट्री से लिंक्ड हो। यूक्लिड एक्सियम्स की कुछ बात करते हैं, ये ऑर्डर में नहीं है लेकिन कुछ तो ले लेते हैं। थिंग्स विच आर इक्वल और टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब ये और ये अगर ये दोनों इसके बराबर हैं तो ये दोनों आपस में भी बराबर हैं। If equals are added to equals, the wholes are equal. If equals are subtracted from equals, the remainder are equal. Things which coincide with one another are equal to one another. दो चीजें coincide करती है आपस में तो equal है। The whole is the greater part of a part, greater than a part. अगर मैं इसका एक part तोड़ लूं, तो ये जो पहला था वो इससे बड़ा होगा। ये universal truth है। Things which are double of some same things are equal to one another. Things which are halves of same things are equal to one another. ये बहुत ही basic intuitive चीज है जो हम लोग अब आज के जमाने में तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये जो common notions हैं ये कुछ magnitudes बताते हैं। जो पहला है ये आप किसी भी plane figure पे लगा सकते हैं, जैसे आपने कहा किसी area का triangle अगर equal है area of rectangle के, तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो इक्वल हो जाएगा दैट इज ऑफ स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रायंगल का एरिया है वो स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। फिर से समझिए, ट्रायंगल का एरिया बराबर रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का बराबर स्क्वायर का, तो ट्रायंगल और स्क्वायर का बराबर हो गया ना। अब इसी तरीके से और हम आगे बढ़ सकते हैं, जैसे लाइन किसी रेक्टेंगल में कैसे ऐड करेंगे, और जो एंगल्स हैं अगर हम पेंटागन पांच जिसमें भुजाएं होती है उसको कैसे कंपेयर करेंगे। ऐसे और भी एग्जाम्स है, अगर हम चौथा एग्जाम देखें कि दो चीजें अगर आइडेंटिकल है बिल्कुल सेम है तो इक्वल है, या ये कहें कि हर चीज अपने से अपने आपके बराबर होती है, मैं अपने आपके बराबर हूं, ये इसको कहते हैं, इसको जस्टिफिकेशन है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ऐसे एग्जाम फाइव में अगर देखें जो यूक्लिड साहब ने जो कहा था उसमें सब मैं लिया, ग्रेटर देन अगर कोई क्वांटिटी बी है वो पार्ट है, वो एक छोटा पार्ट है ए का, तो वो बी जो है ए से छोटा ही होगा या ए बी से बड़ा होगा। अगर इसी को एक और क्वांटिटी आप ले लें और ए को बी और सी में डिवाइड करें, तो बी और सी को जोड़ेंगे तो ए आ जाएगा, है ना। तो कुछ यूक्लिड साहब के पांच पोस्टुलेट हैं, इनको एक एक करके देखते हैं। एक है स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ये पोस्टुलेट हमारा बताता है कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से कम एक लाइन तो जाएगी यहां से, है ना,
लेकिन ये नहीं बताता है कि एक से ज्यादा लाइन जाएगी कि नहीं जाएगी। एक यूनिक लाइन दो से तो जा रही है। तो इस रिजल्ट का क्या जो एक्सियोमेटिक फॉर्म है उसको देखिए, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। मतलब दो पॉइंट दिए तो यहां से केवल एक यूनिक लाइन जा सकती है, दूसरी लाइन ही जा सकती है इसमें कोई यूनिक, ये अगर दूसरी लाइन जा रही है तो वो यही लाइन होगी। तो कितनी लाइन जा सकती है पी और क्यू से, देखते हैं केवल एक लाइन। कितनी लाइन जा सकती है जो क्यू से शुरुआत हो पी पे एंड हो, या पी से शुरुआत हो क्यू से एंड हो, ये केवल पी क्यू ही हो सकती है। ये सेल्फ एविडेंट है कि दो पॉइंट से केवल एक और एक ही लाइन जा सकती है। अब देखिए ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इससे एक लाइन जा सकती है, यहां से करें तो एक लाइन जा सकती है, इसके अलावा और कोई लाइन नहीं मिलेगी। पोस्टुलेट टू की बात करें तो जो टर्मिनेटेड लाइन है उसको हम इनडेफिनेटली बढ़ा सकते हैं, यानी हमने कहा ये लाइन है इसको मैं इनफाइनाइट बढ़ा सकता हूं, इस स्क्रीन से बाहर ले जा सकता हूं, इसको भी स्क्रीन से बाहर ले जा सकता हूं, ये किसी भी एंड तक बढ़ सकती है इनफाइनाइट। पोस्टुलेट थ्री में कहा सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, कोई भी सेंटर ले लीजिए, कितना भी रेडियस ले लीजिए, ऐसा बना दीजिए, यहां सेंटर लेके फिर बना दीजिए। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, सारे 90 डिग्री होते हैं, सारे राइट एंगल होते हैं। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टूगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, देन द टू स्ट्रेट लाइन्स प्रोड्यूस इंडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल्स। ऐसे कहा गया कि दो लाइन है, मैं इसको इस तरीके से समझाता हूं, अगर ये 90 डिग्री है या ये 90 डिग्री है दोनों, तो ये हमेशा स्ट्रेट होंगी, कभी टकराएंगी नहीं, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर ये कम है तो ये टकराएंगे यहां कहीं पे। तो ये सारे सेल्फ एविडेंट ट्रूथ हैं, जो चीज बताई गई वो अगर आज के जमाने में अगर आपको समझाई जाए तो बोले यार यूक्लिड साहब ने किया क्या, कुछ भी नहीं किया, वो सब ये सब चीजें तो हमें पता ही है। लेकिन जो हमें आज चीजें पता हैं, जो मैथमेटिक्स में हम बहुत इंट्यूटिव या बहुत ही एक तरीके से नोन अपने आप को समझ रहे हैं कि हमें तो ये सब पता है, ये इन सब महान लोगों का काम था, इन बड़े लोगों का काम था, इन लैंडमार्क अचीवमेंट वाले लोगों का काम था, जिनके पोस्टुलेट और एग्जाम जो देखने में इतने आसान लग रहे हैं, बहुत बहुत सेल्फ एविडेंट लग रहे हैं, बहुत ही नेचुरल लग रहे हैं, लेकिन इस चीज को कहा पहले इन्होंने, इनको बताया, इसको समझाया लोगों को कि हाँ ये चीज होती है, तब उनके दिमाग में बैठ गया आज हमारे लिए ये सब नॉर्मल है। तो जो एग्जाम जिन्होंने कहा वो कंसिस्टेंट है, अगर अगर ये इम्पॉसिबल हो जाए, ऐसा कोई हम एग्जियम डिड्यूस कर सके ताकि कॉन्ट्रेडिक्ट करे उसके उसको इसके विपक्ष में आ जाए वो जो पहले प्रूव हो चुका है। एक बार जब यूक्लिड साहब ने अपने पोस्टुलेट्स और एग्जियम्स बनाए, इसी चीज को उन्होंने दूसरे चीजों को प्रूव करने में लगाया, यूज किया। अब इसे कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग, एक चीज बनी है उसको यूज करके दूसरी चीजें निकाली जाए, और जिनको प्रूव किया आपने पोस्टुलेट और एग्जाम को लेके, उससे कहा गया प्रोपोजिशंस या थ्योरम्स। ऐसे 465 प्रोपोजिशंस के बकायदा चेन है डिड्यूस्ड, जो उन्होंने एग्जाम पोस्टुलेट और डेफिनेशन जो बताए थे उसको लेके बनाया गया। आगे हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, हम इन सब एग्जाम्स को एक एक करके देखेंगे। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं किस तरीके से यूक्लिड साहब ने एग्जियम और पोस्टुलेट्स को यूज किया ताकि वो कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके। जैसे ए बी सी आपके तीन पॉइंट्स है, तीन पॉइंट्स एक लाइन में, बी जो है वो ए और सी के बीच में है, तो आपको प्रूव करना है ए बी प्लस बी सी ये ए सी के बराबर है। अभी ये कितना इंट्यूटिव लग रहा है, अरे ये तो होता ही है, इसमें क्या क्या प्रूव करना है। लेकिन मैथमेटिक्स में बगैर लॉजिक बगैर प्रूव के कोई चीज मान्य नहीं। ए सी कोइंसाइड्स विद ए बी प्लस बी सी आपको बताना है। अब एग्जियम्स यूक्लिड साहब के देखें तो चौथा जो एग्जियम कहता है कि विच से थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब देखिए अगर हम इस ए बी और बी सी को एक साथ बनाए तो ये ए सी के साथ कोइंसाइड करती है, तो इसका मतलब यह है कि ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर। ये बहुत आसान चीज है लेकिन इसको प्रूव करना जरूरी है। ऐसे ही अगर आप ये कहें कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट, किसी भी लाइन पे सेगमेंट किसी पे बना सकते हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब सारे साइड इक्वल है, तो लाइन सेगमेंट कोई भी लेंथ आप ए बी लीजिए
कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें। कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे? देखिए इसमें एक कंस्ट्रक्शन हुआ, यहां से लिया हमने और इतना मार्क कर दिया, यहां पर अपने नोक रखी, यहां पेंसिल से यू मार्क कर दिया, यहां नोक रखी पेंसिल से यू मार्क कर दिया, अभी इस पॉइंट को यहां से जोड़ दिया, ये आपका ट्राइंगल बन गया। तो ये ट्राइंगल आपने कैसे बनाया, जो साइड जब दोनों साइड जब हमने नोक रखी अपने कॉम्पस की, तो जो नोक रखी उसका जो डिस्टेंस लिया वो हमने वो बेस लिया, और इक्विलेटरल ट्राइंगल सारे साइड सेम होते हैं, तो एक जगह नोक रख के दूसरी जगह काटा, इधर नोक रख के उधर काटा, दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं और डिस्टेंस नापेंगे तो वो ए बी ए सी के बराबर होगा, ए बी ए सी बी सी के बराबर होगा, क्योंकि बेसिकली आप एक सर्कल बना रहे हैं और सर्कल का रेडियस वही है जो बेस है। तो यूक्लिड एग्जियम से ये कहा गया कि ए बी प्लस बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, क्योंकि ये आपके रेडियस है सर्कल के, और क्योंकि तीनों रेडियस है, तीनों साइड है, ट्राइंगल बना रहे हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। अब बड़े एक जो थ्योरम है बड़ा जगह यूज होता है उसको देखते हैं। टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन अ इन कॉमन। दो डिस्टिंक्ट लाइन है अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट रखती है कॉमन, तो वो डिस्टिंक्ट लाइन नहीं। पहली चीज तो ये है कि कोई भी दो डिस्टिंक्ट लाइन एक पॉइंट के अलावा और उनमें कुछ कॉमन नहीं हो सकता। तो हम दो लाइन लेते हैं एल और एम, हमको ये प्रूव करना है कि इनके बीच में एक ही कॉमन पॉइंट है। हम मानते हैं कि जो दोनों लाइन है इंटरसेक्ट करती है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब अब ये कैसे बनाऊं मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मान लीजिए चलिए एक दो जगह इंटरसेक्ट करती, मान लीजिए पी और क्यू। अब दो लाइन पास हो रही है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से पी और क्यू, लेकिन एक अजम्पशन उनका था कि एक पॉइंट से या दो पॉइंट से के दो पॉइंट से केवल एक ही यूनिक लाइन पास हो सकती है ना, कि देयर इज ओनली वन लाइन विच कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो जो अजम्पशन हमने पी और क्यू का माना कि दो अलग अलग पॉइंट है उसमें पी और क्यू दोनों पास हो रहे, वो यहां फेल हो जाता है। तो इससे हम कंक्लूड करते हैं कि दो डिस्टिंक्ट लाइंस एक पॉइंट से ज्यादा उनमें कॉमन नहीं हो सकता। एक इक्विवेलेंट वर्जन है यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट का, जो यूक्लिड साहब का जो फिफ्थ पोस्टुलेट था बड़ा सिग्निफिकेंट है, और इसको हम दोबारा रिकॉल करते हैं। इसमें यह है कि नो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विल टेक प्लेस व्हेन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ फॉलिंग लाइन इज एग्जैक्टली 180 डिग्री। वही बात आ गई कि अगर दो लाइनें इस तरीके से हैं और उनका इंटरनल सम 90 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री है, तो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसे कहते हैं एक बड़ा प्लेफेयर एग्जाम, इसमें कहा गया है, ये स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन प्लेफेयर साहब ने दिया था कि फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी, फॉर एवरी लाइन एल एंड एवरी पॉइंट पी नॉट लॉइंग एन एल, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन पासिंग थ्रू पी, इसके थ्रू एक ही लाइन पास होगी जो इससे पैरेलल होगी, इसके अलावा नहीं होगी। इसके अलावा कोई भी लाइन होगी वो कहीं ना कहीं जाके इसे टकराएगी या इंटरसेक्ट करेगी। और इसको इस तरीके से बताया जा सकता है कि दो डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। अगर कोई दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो एक साथ वो ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल नहीं हो सकती, एक साथ नहीं हो सकती। अब एक एग्जांपल बताता हूं आपको कि एक स्टेटमेंट देखिए, देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दैट आर एवरीवेयर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। इज दिस स्टेटमेंट डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट। सवाल यह है या फिर एग्जाम्पल में यह कहा गया है कि देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट आर एवरीवेयर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो इक्विडिस्टेंस है एक दूसरे से, तो हम एक लाइन ले लेते हैं एल और एक पॉइंट पी ले लेते हैं इस एल में, इस एल पे। तो प्लेफेयर एग्जाम अभी हमने देखा जो इक्विवेलेंट है फिफ्थ पोस्टुलेट के, और हम जानते हैं कि देयर इज अ यूनिक लाइन एम, एक लाइन एम होती है थ्रू पी विच इज पैरेलल टू एल। अब जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का इस लाइन से वो परपेंडिकुलर है, और ये जो डिस्टेंस है एम का एल से वो हमेशा किसी भी जगह पे दो लाइन कहीं भी आप ले जाए एवरीवेयर इट विल बी इक्विडिस्टेंस, ये आपस में इक्विडिस्टेंस आएगी। तो समराइज करते हैं इस चैप्टर का जो हमने डिस्कस किया। यूक्लिड साहब के बारे में बहुत बात हुई, यूक्लिड ज्योमेट्री ही है ये। यूक्लिड साहब ने जैसे पॉइंट लाइन और पेन तो डिफाइन किया, लेकिन ये डेफिनेशन लोगों ने मैथमेटिशियंस ने खास तौर पे एक्सेप्ट की नहीं, इसीलिए इन टर्म्स को उन्होंने कहा कि अभी
आजकल के जमाने में हम इसको अनडिफाइंड ही मानते हैं। एक्सियम्स और पोस्टुलेट ये एजम्पशंस होते हैं जो ऑलरेडी ट्रूथ है, जो वर्ल्ड में ट्रूथ है, जो सच्चाई है उस वो ये इनको प्रूव नहीं किया, दे आर नॉट प्रूव्ड, जो सच्चाई है। और थ्योरम वो स्टेटमेंट है जो जिनको प्रूव किया गया, जिससे डेफिनेशन ली गई, डेफिनेशन को लिया गया, एक्सियम्स को लिया गया, जो ऑलरेडी प्रूव स्टेटमेंट है, डिडक्टिव रीजनिंग से प्रूव किया गया, उनको हम थ्योरम कहते हैं। कुछ यूक्लिड साहब के एग्जाम थे कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब जो चीजें कोई दो वस्तु एक किसी वस्तु से समान है तो वो दोनों वस्तुएं भी आपस में समान है। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर दे आर इक्वल टू वन अनदर, द होल इज अ ग्रेट ग्रेटर देन द पार्ट, एंड थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, and things which are halves of some same things are equal to one another. और यूक्लिड साहब के postulates क्या थे? एक straight line को हम draw कर सकते हैं किसी point से दूसरे point तक, केवल एक ही straight line बन सकती है। जो line है उसको हम किसी भी direction में आगे, ये line है ना, किसी भी direction में बढ़ा सकते हैं infinitely. Circle को किसी भी center और किसी भी radius से बना सकते हैं, और जितने भी right angles हैं वो 90 degree होते हैं, they are equal. 90 डिग्री तो नहीं कहा इन्होंने, इन्होंने कहा कि सारे इक्वल होते हैं। और इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस इंडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल्स। उन्होंने कहा अगर दो लाइनें हैं एक लाइन में बनाओ और ये दोनों 90 डिग्री से कम है तो कहीं ना कहीं जाके टकराएगी, अगर ये दोनों 90 डिग्री है इसका मतलब ये पैरेलल होंगे। दो इक्विवेलेंट वर्जन थे यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट के कि हर एक लाइन एल और उसके लिए कोई पी पॉइंट जो लाइन एल में नहीं है वहां से केवल एक ही एक लाइन हो सकती है जो इसके एल के पैरेलल हो, दो डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन वो पैरेलल नहीं हो सकती सेम लाइन के लिए। तो जितने भी अटेम्प्ट्स थे यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट को फोर्थ को यूज करके वो फेल हो गए, लेकिन उससे डिस्कवरी हुई बहुत अच्छी और बहुत आज जो जो आज भी वाइटल है उसे हम कहते हैं नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्रीज। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, ये थी यूक्लिड ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।